हेलो दोस्तों, गाइस स्वागत करता हूं आप सभी का कॉइंस और करेंसी से रिलेटेड यूट्यूब चैनल करेंसी कलेक्टर पे। इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी को शो करने वाला हूं अपने 53 कंट्रीज़ के कॉइन कलेक्शन को। तो इस वीडियो में गाइस मैं ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा बकवास नहीं करने वाला, इसमें बस मैं आप सभी को अपने कंट्रीज़ के कॉइन कलेक्शन दिखाने वाला हूं और उन सभी में गाइस मैं आप सभी को उन सिक्कों का फेस वैल्यू अर्थात डिनोमिनेशन आप सभी को दिखाने वाला हूं। तो नीचे आप मुझे गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपके पास इनमें से कौन कौन से कंट्रीज़ के कॉइन्स हैं, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि मेरे पास इतने इतने कंट्रीज़ के कॉइन्स हैं। और नीचे आप गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको किन किन कंट्रीज़ के कॉइन के ऊपर वीडियोस चाहिए, और कोई सजेशन दो गाइस हमारे लिए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहे गाइस मेरे सारे 53 कंट्रीज़ के कॉइन कलेक्शन। और आप बोलेंगे गाइस इतना सारा कॉइन्स है और इन सभी को मैंने जीपर में क्यों पैक किया हुआ है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस इन सभी को मैंने जीपर में इसलिए पैक करके रखा है ताकि गाइस अगर मेरे पास कोई डबल कॉइन हुआ या फिर ट्रिपल कॉइन हुआ तो मैं उनको इजीली किसी दूसरे कॉइन के साथ एक्सचेंज कर सकूंगा और उसी के थ्रू गाइस मेरा कलेक्शन थोड़ा और बढ़ता जाएगा। तो गाइस इन सारे कॉइन्स को मैंने अल्फाबेटिकली जचा लिया, अब एक एक करके इन कॉइन्स को देखते हैं। अल्फाबेटिक की बात करूँ तो गाइस सबसे पहला मेरे पास यहाँ पे कंट्री का कॉइन है वो है ऑस्ट्रेलिया कंट्री का। ऑस्ट्रेलिया कंट्री के करेंसी को गाइस डॉलर और सेंट्स भी कहा जाता है। मेरे पास गाइस इस कंट्री के 10 सेंट्स के कॉइन है और उसी के साथ गाइस मेरे पास 5 सेंट्स के भी कॉइन है। सेकेंड कंट्री गाइस मेरे पास यहाँ पे कलेक्शन में है ऑस्ट्रिया कंट्री का, और जो कि गाइस ये कंट्री यूज़ करता है यूरोज और सेंट्स, और इस कंट्री का करेंटली गाइस मेरे पास सिर्फ 10 सेंट्स का ही कॉइन है। तीसरा कंट्री गाइस मेरे पास यहाँ पे कलेक्शन में है बहराइन कंट्री का। इस कंट्री का करेंसी है गाइस दिनार और फिल्स, और अभी करेंटली गाइस इस कंट्री का मेरे पास कलेक्शन 5 फिल्स का कॉइन, 10 फिल्स का कॉइन, 25 फिल्स का कॉइन और 50 फिल्स का कॉइन्स। चौथा कंट्री गाइस मेरे पास कलेक्शन में बांग्लादेश का, और बांग्लादेश का करेंसी का नाम है टाका और पैसा, और करेंटली गाइस अभी मेरे पास इस कंट्री का सिर्फ 2 टका का ही कॉइन है। पांचवा कंट्री गाइस मेरे पास कलेक्शन में बेल्जियम कंट्री का। बेल्जियम यूज़ करता है यूरो और सेंट्स एज द करेंसी, और इस कंट्री का गाइस सिर्फ मेरे पास 5 सेंट्स का ही कॉइन कलेक्शन में है। छठा कंट्री गाइस मेरे पास अपने कलेक्शन में भूटान का, और ये कंट्री यूज़ करता है एंगलट्रम और क्षेत्रम एज द करेंसी, और करेंटली गाइस मेरे पास इस कंट्री के सिर्फ 25 क्षेत्रम के कॉइन्स, 50 क्षेत्रम के कॉइन्स और 1 एंगल ट्रम के कॉइन्स हैं। सातवां कंट्री गाइस मेरे पास कलेक्शन में है ब्राज़ील का, और ये कंट्री यूज़ करता है रियाल एंड सेंटावोस एज द करेंसी, और इस कंट्री का गाइस मेरे पास अभी करेंटली सिर्फ 50 सेंटावोस का ही कॉइन है। आठवां कंट्री गाइस मेरे पास कलेक्शन में बुरुंडी का, और ये कंट्री यूज़ करता है फ्रैंक्स और सेंटाइम्स एज द करेंसी, और इस कंट्री का गाइस सिर्फ मेरे पास कलेक्शन में 1 फ्रैंक्स का कॉइन। नवा कंट्री गाइस मेरे पास कलेक्शन में कनाडा कंट्री का, ये कंट्री यूज़ करता है गाइस डॉलर और सेंट्स एज द करेंसी, इस कंट्री का गाइस मेरे पास अभी करेंटली कलेक्शन में 1 सेंट्स के कॉइन, 5 सेंट्स के कॉइन और उसी के साथ गाइस मेरे पास 10 सेंट्स के भी कॉइन है। दसवा कंट्री गाइस मेरे पास कलेक्शन में सेंट्रल अफ्रीका के कॉइन, ये जो करेंसी है गाइस ये ऑलमोस्ट 6 सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज यूज़ करते हैं। इन कंट्रीज का करेंसी का नाम है फ्रैंक्स, और मेरे पास गाइस सिर्फ और सिर्फ 5 CFA मतलब सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक्स का कॉइन है। 11वां कंट्री गाइस मेरे पास कलेक्शन में चाइना का, और ये कंट्री यूज़ करता है फेंस और युआन को एज द करेंसी, और इस कंट्री का गाइस मेरे पास कॉइन्स कलेक्शन में है 1 जियाओ मतलब गाइस 10 फेंस के कॉइन, और उसी के साथ गाइस मेरे पास है 1 युआन का कॉइन। 12वां कंट्री गाइस मेरे पास कलेक्शन में कोलंबिया कंट्री का, और ये कंट्री यूज़ करता है पेसोस एज द करेंसी, इस कंट्री का गाइस करेंटली अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन में 5 पेसोस के कॉइन्स। 13वां कंट्री गाइस मेरे पास कलेक्शन में कोंगो कंट्री का, और ये कंट्री यूज़ करता है फ्रैंक्स और सेंटाइम्स एज ए करेंसी, इस कंट्री का गाइस अभी करेंटली मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 फ्रैंक्स का ही कॉइन है। 15वां कंट्री गाइस मेरे पास कलेक्शन में डेनमार्क कंट्री का कॉइन, ये कंट्री यूज़ करता है गाइस क्रोन एंड ओर एज द करेंसी, अभी करेंटली गाइस मेरे पास इस कंट्री के सिर्फ और सिर्फ 10 ओर के ही कॉइन्स है। 14वां कंट्री गाइस मेरे पास कलेक्शन में ज़ेक रिपब्लिक का, और ये कंट्री यूज़ करता है कोरोना एंड हालेरू एज द करेंसी, करेंटली गाइस मेरे पास इस कंट्री का सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन में 1 कोरोना सिस्का का कॉइन। 16वां कंट्री गाइस मेरे पास कलेक्शन में फ्रांस कंट्री का, ये कंट्री अभी गाइस करेंटली यूज़ करता है यूरो और सेंट्स एज द करेंसी, इस कंट्री का गाइस अभी करेंटली मेरे पास कॉइन कलेक्शन में 1 फ्रैंक 5 सेंटीमीटर, जो कि गाइस ऑलरेडी डिमोनिटाइज हो चुके हैं, और उसके बाद है गाइस मेरे पास 1 सेंट के कॉइन्स, 2 सेंट के कॉइन्स और 5 सेंट के कॉइन्स। 17वां कंट्री गाइस मेरे पास कलेक्शन में जर्मनी कंट्री का, और ये कंट्री यूज़ करता है यूरो और सेंट्स एज द करेंसी,
मेरे पास गैस इस कंट्री के 5 फेनी के कॉइन्स, 10 फेनी के कॉइन्स जो कि गैस ऑलरेडी डिमोनेटाइज हो चुके हैं, और उसी के बाद गैस मेरे पास है 1 सेंट के कॉइन्स, 2 सेंट के कॉइन्स, 5 सेंट्स के कॉइन्स और उसी के साथ 10 सेंट्स के कॉइन मेरे पास कलेक्शन में है। 18 कंट्री गैस मेरे पास कलेक्शन में हंगरी कंट्री का, और ये कंट्री यूज़ करता है फॉरिंट और फिलर एज द करेंसी। इस कंट्री का गैस मेरे पास कलेक्शन में 1 फॉरिन का कॉइन और 2 फॉरिन का कॉइन्स। 19वां कंट्री गैस मेरे पास कलेक्शन में आइसलैंड कंट्री का, ये कंट्री यूज़ करता है गैस क्रोना और ऑरार एज द करेंसी। इस कंट्री का गैस अभी करेंटली मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 ऑरार का ही कॉइन है। 20वां कंट्री है मेरे पास गैस अपना देश जो कि है भारत, इंडिया। इंडिया यूज़ करता है गैस रुपए और पैसे एज द करेंसी। वैसे तो गैस मैं भारत से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास बहुत सारे भारत के सिक्के हैं, मगर मैं आपको फिर भी शो करना चाहता हूँ जो कि गैस इस जीपर में मेरे पास कॉइन कलेक्शन में है। 10 पैसे के कॉइन्स, 5 पैसे के कॉइन्स, 50 पैसे के कॉइन, 5 पैसे के कॉइन्स, 10 पैसे के कॉइन्स और 2 रुपये के सिक्के। 21वां कंट्री का मेरे पास कलेक्शन में इंडोनेशिया कंट्री का, ये कंट्री का यूज़ करते हैं रुपया एज द करेंसी। इस कंट्री का गैस अभी करेंटली मेरे पास 100 रुपये का सिक्का है, 200 रुपये का सिक्का है, 500 रुपये का सिक्का और उसी के साथ गैस मेरे पास 1000 रुपये का भी सिक्का है। 22वां कंट्री का मेरे पास कलेक्शन में इटाली कंट्री का, और ये कंट्री यूज़ करता है यूरो और सेंट्स एज द करेंसी। इस कंट्री का गैस मेरे पास अभी करेंटली कलेक्शन में 1 सेंट के कॉइन्स, 5 सेंट के कॉइन्स, 10 सेंट का कॉइन्स और 1 यूरो का कॉइन। 23वां कंट्री का मेरे पास कलेक्शन में जापान कंट्री का, और ये कंट्री यूज़ करता है येन एज द करेंसी। इस कंट्री का गैस अभी करेंटली मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 येन का ही कॉइन है। 24वां कंट्री का मेरे पास कलेक्शन में कुवैत कंट्री का, और जो कि यूज़ करता है दिनार और फिल्स एज द करेंसी। इस कंट्री का गैस अभी करेंटली मेरे पास कलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 25 फिल्स के कॉइन। 25वां कंट्री का मेरे पास कलेक्शन मेडावास्कर कंट्री का, और ये कंट्री अभी करेंटली यूज़ करता है एरियरी एज देयर करेंसी। इस कंट्री का गैस मेरे पास अभी करेंटली कलेक्शन में सिर्फ 5 फ्रैंक्स के कॉइन्स जो कि गैस ऑलरेडी डिमोनेटाइज हो चुके हैं। 26वां कंट्री का मेरे पास अभी करेंटली कलेक्शन में मलेशिया कंट्री का, जो कि यूज़ करता है गैस रिंगिट और सेन एज देयर करेंसी। इस कंट्री का गैस मेरे पास कॉइन्स है कलेक्शन में 1 सेन के कॉइन्स, 5 सेन के कॉइन्स, 10 सेन के कॉइन्स और उसी के साथ गैस मेरे पास है 20 सेन के कॉइन्स और लास्ट में गैस मेरे पास है 50 सेंट के कॉइन्स। 27वां कंट्री का मेरे पास कलेक्शन मॉरिशस कंट्री का, जो कि यूज़ करता है गैस रुपए और सेंट्स एज देयर करेंसी। मेरे पास गैस इस कंट्री के कॉइन्स है 0.5 रुपये का कॉइन, जिसको मतलब आप लोग कह सकते हैं 50 सेंट का कॉइन्स, और उसी के साथ मेरे पास है 1 रुपये का कॉइन। 28वां कंट्री का मेरे पास कलेक्शन नेपाल कंट्री का, जो कि यूज़ करता है गैस रुपए और पैसे एज देयर करेंसी। इस कंट्री का गैस अभी करेंटली मेरे पास कलेक्शन में कॉइन्स है 25 पैसे के कॉइन, 1 रुपये का कॉइन्स और उसी के साथ है गैस मेरे पास 2 रुपये के सिक्के। 29वां कंट्री का मेरे पास कलेक्शन में नीदरलैंड का, ये कंट्री गैस यूज़ करता है गिल्डर और सेंट्स एज देयर करेंसी, और मेरे पास गैस इस कंट्री का सिर्फ और सिर्फ 5 सेंट्स का ही कॉइन है। 30वां कंट्री का मेरे पास कलेक्शन में नाइजीरिया का, जो कि यूज़ करता है गैस नायरा और कोबो एज देयर करेंसी। इस कंट्री गैस अभी करेंटली मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 नायरा का ही कॉइन है। 31वां का इस कंट्री है मेरे पास कलेक्शन में नॉर्वे कंट्री का, जो कि यूज़ करता है गैस क्रोन और ओर एज देयर करेंसी। इस कंट्री का गैस मेरे पास सिर्फ और सिर्फ करेंसी है अभी कलेक्शन में 10 नॉर्जे ओर का। 32वां कंट्री है गैस मेरे पास कलेक्शन में ओमन का, जो कि गैस यूज़ करता है रियल और बेसास एज द करेंसी। इस कंट्री का गैस अभी मेरे पास करेंटली सिर्फ और सिर्फ 25 बेसास का ही कॉइन है। 33वां कंट्री है गैस मेरे पास कलेक्शन पाकिस्तान का, जो कि यूज़ करता है गैस रुपये और पैसे एज देयर करेंसी। इस कंट्री का गैस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है पाकिस्तान के 5 रुपये के सिक्के। 34वां कंट्री का मेरे पास कलेक्शन फिलीपींस का, जो कि यूज़ करते हैं गैस पेसोस और सेंटावोस एज देयर करेंसी। इस कंट्री का गैस अभी करेंटली मेरे पास कलेक्शन 5 पीसो का कॉइन। 35वां कंट्री का मेरे पास कलेक्शन पोलैंड का, जो कि यूज़ करते हैं गैस ज्लॉटी और क्रॉस जी एज देयर करेंसी। इस कंट्री का गैस मेरे पास कलेक्शन में 1 क्रॉस जी का कॉइन, 2 क्रॉस जी का कॉइन, 10 क्रॉस जी का कॉइन और 20 क्रॉस जी का कॉइन। 30वां कंट्री का मेरे पास कलेक्शन में कतार का, जो कि यूज़ करते हैं गैस रियाल और दिराम एज देयर करेंसी। इस कंट्री का गैस मेरे पास कॉइन कलेक्शन में 25 दिराम का कॉइन्स और 50 दिराम का कॉइन्स। 37वां कंट्री का मेरे पास कलेक्शन में सऊदी अरब का, जो कि यूज़ करता है गैस रियाल और हलालास एज देयर करेंसी। इस कंट्री का गैस मेरे पास कलेक्शन में 25 हलालास के कॉइन। 38वां कंट्री का मेरे पास कलेक्शन में सिंगापुर का, जो कि यूज़ करता है गैस डॉलर और सेंट्स एज द करेंसी। इस कंट्री का गैस अभी करेंटली मेरे पास कलेक्शन में 5 सेंट्स के कॉइन्स, 10 सेंट्स के कॉइन्स, 20 सेंट्स के कॉइन, 50 सेंट्स के कॉइन और उसी के साथ गैस मेरे पास है 1 डॉलर के कॉइन्स।
39 कंट्री है गाइस मेरे पास कलेक्शन में साउथ अफ्रीका का, जो कि यूज़ करते हैं गाइस साउथ अफ्रीकन रैंड और सेंट्स एज ए करेंसी। इस कंट्री है गाइस मेरे पास कॉइन कलेक्शन में 20 सेंट के कॉइन, 2 रैंड के कॉइन और 5 रैंड के कॉइन्स। 40 कंट्री है गाइस मेरे पास कलेक्शन में साउथ कोरिया का, जो कि यूज़ करते हैं गाइस वॉन या फिर जियोन एज ए करेंसी। इस कंट्री है गाइस अभी मेरे पास करेंटली कलेक्शन में कॉइन्स 10 वॉन के कॉइन्स, 50 वॉन के कॉइन और 100 वॉन्स के कॉइन्स। 41 कंट्री है गाइस मेरे पास कलेक्शन में स्पेन कंट्री का, ये कंट्री गाइस अभी करेंटली यूज़ करते हैं यूरो और सेंट्स एज ए करेंसी। इस कंट्री गाइस अभी करेंटली मेरे पास कॉइन कलेक्शन में 1 पैसे का कॉइन, जो कि ऑलरेडी डिमोनेटाइज हो चुका है, उसके बाद है गाइस मेरे पास 1 सेंट का कॉइन और 5 सेंट का कॉइन। 42 कंट्री है गाइस मेरे पास कलेक्शन में श्रीलंका, जो कि यूज़ करते हैं गाइस रुपए और सेंट्स एज ए करेंसी। इस कंट्री है गाइस अभी करेंटली मेरे पास कॉइन है कलेक्शन में 1 रुपये का, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का एंड 10 रुपीज़ का सिक्का। 43 कंट्री है गाइस मेरे पास कलेक्शन में स्वीडन का, जो कि यूज़ करता है गाइस क्रोना और ओर एज ए करेंसी। इस कंट्री है गाइस अभी करेंटली मेरे पास कॉइन है कलेक्शन में 2 ओर के कॉइन्स, 10 ओर के कॉइन्स और 25 ओर के कॉइन्स और 50 ओर के कॉइन्स। 40 कंट्री है गाइस मेरे पास कलेक्शन में स्विट्जरलैंड कंट्री का, जो कि यूज़ करते हैं गाइस फ्रैंक्स और सेंट्स एज ए करेंसी। इस कंट्री है गाइस अभी करेंटली मेरे पास कॉइन है कलेक्शन में 5 सेंट का कॉइन और 10 सेंट का कॉइन्स। 45 गाइस कंट्री है मेरे पास कलेक्शन में ताइवान का, जो कि यूज़ करता है गाइस डॉलर और सेंट्स एज ए करेंसी। इस कंट्री गाइस मेरे पास अभी करेंटली कॉइन है कलेक्शन में 1 डॉलर का कॉइन और 5 डॉलर का कॉइन। 40 कंट्री गाइस मेरे पास कलेक्शन में थाईलैंड का, जो कि यूज़ करते हैं गाइस बाट और सतंग एज ए करेंसी। इस कंट्री गाइस मेरे पास कॉइन है कलेक्शन में 50 सतंग के कॉइन्स, 25 सतंग के कॉइन्स, 1 बाट के कॉइन्स, 5 बाट के कॉइन्स, 2 बाट के कॉइन्स और 10 बाट के कॉइन्स। 40 कंट्री गाइस मेरे पास कलेक्शन में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का, जो कि यूज़ करते हैं गाइस डॉलर और सेंट्स एज ए करेंसी। इस कंट्री गाइस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही कॉइन है, जो कि गाइस 1 सेंट का कॉइन। बाकी गाइस 48वें कंट्री के बारे में जो कि मेरे कलेक्शन में, वो है टर्की का, और ये जो कंट्री ये यूज़ करता है लीरा और कुरूस एज देयर करेंसी। इस कंट्री का गाइस मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 50 कुरूस का ही कॉइन है। बाकी गाइस 49वें कंट्री के बारे में मेरे कलेक्शन में, वो है यूनाइटेड किंगडम का, जो कि गाइस इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को बना के यूनाइटेड किंगडम बनता है, और यूके गाइस यूज़ करता है पाउंड और पेंस एज ए करेंसी। यूके के गाइस मेरे पास कॉइन्स है 1 पेनी का, 5 पेंस का, 10 पेंस का। ये जो ऊपर आपको कॉइन्स देखने को मिल रहा है ये इंग्लैंड के कॉइन्स है, और नीचे गाइस जो आपको 10 पेंस सॉरी 5 पेंस देखने को मिलता है, ये बेसिकली यूके के कॉइन्स है। बात करें गाइस 50वें कंट्री के बारे में, तो ये गाइस यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि गाइस यूज़ करता है डॉलर और सेंट्स एज ए करेंसी। यूएसए के जो गाइस मेरे पास कलेक्शन में कॉइन्स है, वो है गाइस 1 सेंट के कॉइन्स, 5 सेंट के कॉइन्स, 1 डाइम का कॉइन मतलब 10 सेंट्स के कॉइन, और उसी के बाद गाइस मेरे पास है 1 क्वार्टर डॉलर का कॉइन। बाकी गाइस 50वें कंट्री के बारे में कलेक्शन में, तो वो है गाइस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई का। ये कंट्री यूज़ करता है गाइस दिराम और फिल्स एज द करेंसी। मेरे पास इस कंट्री के गाइस ये सब कॉइन्स है, 25 फिल्स के कॉइन्स, 50 फिल्स के कॉइन, और उसी के साथ गाइस मेरे पास 1 दिराम का भी कॉइन्स है। बाकी गाइस 52वें कंट्री के बारे में कलेक्शन में, तो वो है गाइस वेनेजुएला कंट्री का। ये कंट्री यूज़ करता है गाइस बॉलीवर और सेंटिमोस एज द करेंसी। इस कंट्री का गाइस अभी करेंटली मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 बॉलीवर का ही कॉइन है। बात करें गाइस 93 और अभी जो करेंटली मेरे पास लास्ट कंट्री जो है गाइस अभी मेरे कलेक्शन में, वो मिस हो गया था, और ये कंट्री है गाइस रशिया। ये कंट्री यूज़ करता है गाइस रबल्स और कॉपेक्स एज द करेंसी। अभी करेंटली गाइस मेरे पास इस कंट्री के बस 10 कॉपेक्स का कॉइन है और 1 कॉपेक का कॉइन है। होप करता हूँ गाइस आप सभी को हमारी पेशकश बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर गाइस आपको किसी कंट्री के कॉइन्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, तो गाइस प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं उन कमेंट्स को पढ़ के आप सभी के लिए उन कॉइन्स के ऊपर डिटेल में वीडियो बना सकूं। और गाइस माफ़ी चाहूँगा कि मैं इतना दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसका जो रीज़न है गाइस मैंने कमेंट सेक्शन में बताया हुआ है, प्लीज़ उसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको जो बात है वो मैं आपको बता सकूं। तो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।